वेलकम बैक, मैं हूं मनोज कोले। एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा पैनासोनिक 32 इंच का एक एलईडी टीवी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले अच्छा से वॉच कर, स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन किया है, देखिए ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है। देखिए क्या सिम्टम हो रहा है, आप अच्छा से देखो। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर होगा पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को साथ मैं शेयर करूंगा। उसका साथ साथ दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट 27-30 सितंबर मंथ में, लास्ट वीक में, 4 डे ओनली फॉर पैनल का एक प्रोग्राम मैं अरेंज किया है। उसी प्रोग्राम में आप अटेंड होना चाहता है तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप ऐड होना चाहता है तो ये जो स्क्रीन पर जो नंबर है इसी नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप बहुत कुछ हेल्प मिलेंगे। ज़्यादातर टेक्नीशियन कॉल कर रहा है, सर ऐसा क्या, मैं बताइए थोड़ा सा, लेकिन ये टाइम कहाँ से मिलेंगे बोलिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, पूरा सपोर्ट मिलेंगे। और डिटेल्स जानकारी चाहिए तो इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। चलिए दोस्तों, ये फॉल्ट देख लिया, ये कैसे मैं रिपेयर करूँगा पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। अभी तक बैक कवर ओपन नहीं किया है, बैक कवर ओपन करने के बाद सब कुछ वोल्टेज चेकअप करूंगा, उसका बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो जो पैनासोनिक टीवी आप देख रहा था, जो मल्टी कलर हार्डिगल थिन लाइनिंग था, वो बैक कवर पूरा मैं ओपन किया है। और देखिए, इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। पहले तो ये एलजी पैनल लगा हुआ है, देखिए इधर आइए, एलजी पैनल, एलजी त्रिकोण है। देखिए ये त्रिकोण को वोल्टेज मेजरमेंट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखो, त्रिकोण में पैनल वीसीसी सेट ऑन हो गया, ठीक है। पैनल वीसीसी देखाइए थोड़ा सा, पैनल वीसीसी इज़ ओके। उसका बाद देखिए, थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट इज ओके। उसका बाद देखिए, एवरीडी वोल्टेज, देखिए एवरीडी वोल्टेज इज ओके। ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, देखिए एवरीडी वोल्टेज इज ओके। उसका बाद देखिए, ये जो वीडीडी वोल्टेज, देखिए 10 वोल्ट थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो गया। एच ए वीडीडी, देखिए एच ए वीडीडी क्या है, 4.36 फ्लैक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है। उसका बाद देखिए वी जी एल, देखिए वी जी एल वोल्टेज -4.96, ये स्टेबल है। उसका बाद देखिए वी जी एच, वी जी एच में क्या वोल्टेज है, देखिए 4.0 ऐसा कुछ वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले स्विच ऑफ कर दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। फिर मैं अगेन पावर ऑन किया है, देखिए मैं वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए इसको इधर रखो, देखिए वीजीएल वोल्टेज -5 वोल्ट रीड दे रहा है, परफेक्ट। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए वीडीडी जो है, एवरीडी वोल्टेज 15.63 वोल्ट, थोड़ा सा वोल्टेज परफेक्ट वोल्टेज है, लेकिन पहले वोल्टेज थोड़ा सा कम था। और वीजीएच वोल्टेज देखिए 27.00 वोल्ट, ठीक है। तो ये फ्लेक्स रिमूव करने के बाद सब वोल्टेज सही जनरेट हो रहा है। तो एक्चुअल फॉल्ट क्या है, इस कलर में कुछ फॉल्ट हो सकता है, कॉफ भी बर्न भी हो सकता है, इटसेल्फ खुद पैनल भी डिफेक्ट हो सकता है। तो आपको मालूम होगा क्या कोई शॉर्टेज है, ठीक है। मैं ऑफ कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ। तो मीटर को ओम्स रेंज में रखिए, सारी ओम्स चेक करिए, देखिए वीजीएच को ओम्स चेक करिए, देखिए क्या है,
वो ज़्यादा के में रेट दे रहे हैं। सही है, कोई शॉर्टेज नहीं है। एवरीडी में देखिए कोई शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं है। एच एवरीडी में देखिए कोई शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो VGL में देखिए कोई शॉर्टेज है, नहीं कुछ शॉर्टेज नहीं है। VDD में देखिए कोई शॉर्टेज है, देखिए कोई शॉर्टेज नहीं है। तो एक्चुअल फॉल्ट कहाँ है ये देखना पड़ेगा, मैं इसको देखूंगा कहाँ पर फॉल्ट है। शॉर्टेज कुछ नहीं है, शॉर्टेज मीटर में रीड नहीं दे रहा है, ये आप कंफर्म हो जाइए। देखा लाइव दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट 27 to 30 सितंबर मंथ का लास्ट वीक में जो प्रोग्राम ओनली फॉर पैनल के लिए प्रोग्राम मैं अरेंज किया है, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है, मेरा जो नंबर है इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए, डिटेल्स मिलेंगे। ये पूरा डिटेल्स पैनल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जो भी पैनल हो आप खुद ही फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो इसको मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, अभी इसको मैं सब ओपन करना पड़ेगा, कहाँ पर शॉर्टेज है वो फाइंडिंग करना पड़ेगा, उसका बाद मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल्स मार्किंग करके दिखाऊंगा। चलिए देखते रहिए, मैं पूरा ओपन करूंगा। ओके देखिए दोस्तों, ये जो पैनासोनिक टीवी आप देख रहा था ना फॉल्ट, वो जो LG पैनल लगा हुआ था, यहाँ पर देखिए कॉफ बार्न हो गया। ये कॉफ बार्न हुआ, इसको रिपेयर हो जाएगा 100%। ये मैं कैसे रिपेयर किया है पूरा वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, कंप्लीट करिए, आपको मालूम हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे मैं कैसे ये रिपेयर किया, हाउ इट इज़ रिपेयर। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम 27 to 30 ओनली फॉर पैनल 4 डे, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है, आप अपडेट होना चाहता है, पैनल का सीक्रेट नॉलेज अचीव करना चाहता है, तो मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकता है। पूरा डिटेल्स जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर में आप कांटेक्ट करिए। ओके चलिए दोस्तों, मैं रेडी करके पूरा आपको दिखाऊंगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे। ओके देखते रहिए दोस्तों, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ, आप एंड तक देखिए। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर तो पूरा जूमिंग करके मैं आपको दिखाया, और इसका साथ और एक काम आपको करना पड़ेगा, देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो जो पैनासोनिक टीवी आप देख रहा था पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए सेट ऑन करके मैं आपको वीडियो देखा रहा हूँ, ऑन करिए, स्विच ऑन किया है, देखिए दोस्तों सेट ऑन हो रहा है, देखिए डिस्प्ले सही आ रहा है ना, अब देखते रहिए। देखिए मीडिया प्ले को ऑन करूंगा, दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूंगा, देखिए ऑन हो रहा है दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा 27 to 30 सितंबर, सितंबर मंथ का लास्ट वीक में, ओनली फॉर पैनल 4 डे, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहता है, मेरा जो नंबर है इस नंबर में आप कांटेक्ट करिए, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर बहुत कुछ सपोर्ट मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा अच्छा चल रहा है अभी तक, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो नंबर में कांटेक्ट करिए, डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सितंबर मंथ में जो प्रोग्राम मैं अरेंज किया है उसी डेट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पैनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है मेरा साथ कांटेक्ट कर सकता है, मेरा ऑफिस में आ सकता है, मेरा प्रोग्राम में अटेंड कर सकता है। चलिए दोस्तों देखते रहिए, ओके ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।